तो दोस्तों आज हम लोग एक और फिंगर गन शॉट बनाने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैंने जो गन शॉट बनाया था उसमें मैंने पीवीसी पाइप का यूज़ किया था। तो दोस्तों कुछ लोगों ने कमेंट करके कहा कि हमारे पास पीवीसी पाइप नहीं है, आप किसी दूसरे चीज़ की मदद से इसको बनाने का ट्राई कीजिए। तो दोस्तों आज मैं इस चार्ट पेपर की मदद से उस फिंगर गन शॉट को बनाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक चार्ट पेपर ले लिया, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरह से किसी पाइप की मदद से यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से रोल करके फोल्ड कर लूँगा। तो पहले मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ। इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसको फेविकॉल की मदद से कुछ इस तरह से चिपका के एक रोल बना लूँगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और ये हमारे उंगली में कुछ इस तरह से फिट आ जाएगा। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पर एक और रोल ले लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कपड़े सिलने वाले जो धागे होते हैं उसका जब यूज़ करने के बाद ये जो आपका बचता है तो हम लोग को इसको ले लेना है। इसको लेने के बाद सिंपल से हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको चिपकाएंगे। तो दोस्तों इसको मैं फेविकॉल की मदद से चिपकाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसको फेविक्विक की मदद से अच्छी तरह से चिपका दिया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम लोग की उंगली में ये कुछ इस तरह से लग जाएगा। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पर एक रबर बैंड ले लिया, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इस रबर बैंड को हम लोग इसके आगे में कुछ इस तरह से रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको सिंपल से धागे की मदद से कुछ इस तरह से बांध देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसको बांध दिया। इसको बांधने के बाद यहाँ पर मैं इसमें टेपिंग कर दूंगा तो ये दिखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर पहले मैं इसमें अच्छी तरह से टेपिंग को कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेपिंग करने के बाद हम लोग का जो ये वाला गन शॉट है ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पर एक छोटा सा स्टिक ले लिया, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक और छोटा सा टुकड़ा लिया है, इसको हम लोग बिल्कुल इसके एंड में हम लोग कुछ इस तरह से चिपका देंगे। इस तरह से इसको चिपकाने के बाद अब हम लोगों ने यहाँ पर एक मिरर ले लिया है। तो दोस्तों ये हम लोग का एक बुलेट जैसा वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरह से इसके आगे वाले पार्ट में कुछ इस तरह से इसको लगा दूंगा। तो दोस्तों इसको मैं फेविक्विक की मदद से चिपका लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें भी कुछ इस तरह से टेपिंग कर दिया है। तो दोस्तों हम लोग का जो बुलेट है ये भी बनकर रेडी हो चुका था। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि आपको इसको चलाना कैसा है। तो दोस्तों इसको चलाने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, ये जो हम लोग का जो रबर बैंड है इसको आपको अंदर की ओर कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको डाल देना है। इसको डालने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो एक स्टिक को चिपकाया था छोटा सा टुकड़ा, उसमें हम लोग को कुछ इस तरह से इसको फंसाते हुए आप लोग को इसको पीछे की ओर ले जाना है कुछ इस तरह से। इस तरह से इसको लेने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको कुछ इस तरह से इस स्टिक में हम लोग यहाँ पर इसको फंसा देंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसको चलाने के लिए सिंपल से आपको इसको अपने उंगली में पहन लेना और इसको आपको सिंपल से थोड़ा सा आपको नीचे की ओर पुश करना है। तो दोस्तों ये हम लोग का वर्क करेगा। तो चलिए मैं आप लोग को इसके एक बार टेस्ट करके दिखाता हूँ ये किस तरह से वर्क करेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।